नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ मनीषा जी हैं जो बचपन से डेरा सच्चा सौदा में आ रही हैं। इससे जानते हैं कि बीइंग गर्ल इसका क्या कहना है, डेरा सच्चा सौदा में कैसा माहौल है लड़कियों को लेकर। नमस्कार मनीषा जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आप बचपन से आ रहे हो डेरा सच्चा सौदा में, कैसा माहौल लगता है आपको? बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे लड़कियों को लेकर, तो स्पेशली बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे। पिताजी ने लड़कियों के लिए ही तो मतलब अनाथ जो खोले हुए हैं मतलब लड़कियों के लिए, उन्होंने मतलब स्टडी भी बहुत काफ़ी फ्री में लड़कियों के लिए अवेलेबल कराई है, तो बहुत अच्छा माहौल है लड़कियों के लिए। क्वालिफिकेशन क्या है, अभी क्या कर रहे हो आप? मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है BSc में, तो अभी चल रहा है कंटिन्यू। आप क्यों आते हो आश्रम में, मतलब इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, यंग एज है आपकी, एक आश्रम में क्यों आते हो? पढ़े लिखे होने का मतलब ये तो नहीं कि जिन्होंने हमें सब कुछ दिया हम उनको भूल जाएं। पिताजी की बदौलत मुझे बहुत कुछ मिला है। मैंने इवनली मैं मतलब जब प्लस टू में थी तो मेरी एक सर के साथ ही बैठ लगी थी 85 के लिए वो बोल रहे थे कि नहीं आ पाएंगे तुम्हारे 85, तो मैंने मतलब इतना किया कि पिताजी मुझे 85 चाहिए, कुछ भी हो जाए 85। और जब रिजल्ट आया ना तो मतलब ये था कि 85 से एक पॉइंट भी कम नहीं आया, 85% मार्क्स आए सिर्फ पिताजी की बदौलत। मेरी सपना था कि मेरा 85 आए उसमें। ये आपकी आस्था है लेकिन दूसरी तरफ उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या अब मीडिया का? तो अब देखो मीडिया आजकल हर चीज़ पैसों से बिकती है, तो आप कह नहीं सकते कुछ भी, लेकिन हम तो जानते हैं ना, हम अपने माँ बापों को भी गलत नहीं कहते क्योंकि वो हमारे लिए गलत नहीं है, तो हमारे लिए पिताजी हमारे माँ बाप की तरह ही हैं, तो वो गलत नहीं है। अब मीडिया का तो कुछ भी कह सकती है, तो ये गलत है, उनके ऊपर गलत लगाया गया आरोप, जो भी आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। फिर एक्चुअली में गुरुजी का नेचर कैसा है? अब गुरुजी भगवान है हमारे लिए, भगवान तो का नेचर तो आपको पता ही है कितना अच्छा होगा, वो सिर्फ अपनी मतलब क्या है कि अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, तो आज तक पिताजी ने बच्चों के लिए सोचा, जिन्होंने बच्चों के लिए सोचा वो कभी गलत नहीं कर सकते। करेक्टर कैसा है? बहुत अच्छा करेक्टर है उनका। उन्होंने समाज के लिए क्या कंट्रीब्यूशन किया? उन्होंने सफाई अभियान चलाए, खूनदान किया, नेत्रदान किया, यहाँ पे किडनी वगैरह का भी बहुत होता है, तो ये सब अगर ना ही कोई खूनदान होता तो यहाँ पे अभी ब्लड वगैरह की प्रॉब्लम भी तो आती है ना, तो सारा ब्लड वगैरह कहाँ से मिलता है? मिलता है ना डेरे से, तो उन्होंने बहुत कुछ किया है। क्या आज भी ज़रूरत है संत जी की समाज को? हाँ जी बहुत ज़रूरत है, अभी ये कोरोना चल रहा है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आई थिंक कि अगर पिताजी यहाँ पे होते तो कोरोना काफ़ी टाइम से ही ख़त्म हो चुका होता। अगर अब क्या प्रभाव क्या पड़ा है 3-4 सालों से जब से संत जी समाज में नहीं है? मुझे तो बल्कि ऐसे ही लगता है कि जब से पिताजी गए ना, बल्कि क्या है कि पूरे अपने समाज के अंदर सिर्फ दुख ही दुख आ रहे हैं, कभी क्या हर बार नवी से नवी प्रॉब्लम आ रही है, अगर वो होते तो शायद ये कभी प्रॉब्लम आती ही ना इधर। क्या अपील करोगे सरकार से आप? यही अपील करेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारे पिताजी को रिहा करें और उन्हें निर्दोष साबित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द से जल्द संत डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह जी समाज में आने चाहिए, ये लगातार पब्लिक डिमांड कर रही है। दोस्तों आप लोग भी खुले दिमाग से सोचिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत